अध्याय 9। और शाउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था महायाजक के पास गया। उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। वो भूमि पर गिर पड़ा और उसने ये शब्द सुना, हे शाऊल, तुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। और वो 3 दिन तक ना देख सका और उसने ना कुछ खाया ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जाओ जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है, और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया कि, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि, तू चला जा, क्योंकि ये तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जिस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाचकों के पास ले जाए? परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण देकर कि मसीह यही है दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली, परंतु उनकी युक्ति शाऊल को मालूम हो गई। वे तो उसके मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर लगे रहे थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया और शहर पनाह पर से लटकाकर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया। वे सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको प्रतीत ना होती थी कि वो भी चेला है। परंतु बरनबा ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की, फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा।
वो निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसके मार डालने का यत्न करने लगे। ये जानकर भाई उसे केसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया। सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नाम झोले का मारा हुआ एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना ठीक कर। तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिए और जब पहुंच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की और देखकर कहा, हे तबीता, उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शमोन नाम किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा।